एमेरल्ड की किताब। ये कहानी है एक महान ताकतवर राजा की और उसके हारे हुए अभिमान की। राजा फिट्ज़जेराल्ड फेनेंट्रा नाम के राज्य पर राज करता था। उसके घर एक बेटी हुई। उस बच्ची के भाग्य से राज्य में एक अजूबा हुआ। उसके पैदा होते ही 3 साल से जो सूखा पड़ा हुआ था वो दूर हो गया। वहां बारिश हुई और राज्य में सबसे बेहतरीन फसल पैदा हुई। मजदूरों को सोने से भरी खदान मिली और ये खुशखबरी राज्य के साथ साथ विदेश में उनके जान पहचान वालों तक भी पहुंच गई। वो बच्ची खास थी और उसकी इस किस्मत का चमत्कार सिर्फ राजा और उसके लोग ही नहीं बल्कि परियां भी देख रही थीं, जो राजमहल में नन्ही बच्ची को दुआएं देने आई थीं। भलाई की महान परी का स्वागत है। हे प्यारी बच्ची, तुम्हारे दिल में इतना प्यार होगा कि तुम हर प्राणी से प्यार से पेश आओगी और सबके प्रति दया भावना रखोगी। प्रेरणा की परी, आपका स्वागत है, आकर राजकुमारी को दुआएं दीजिए। ओ नन्ही राजकुमारी, तुम्हारा पवित्र मन तुम्हें प्रेरित करेगा। जैसे ही तुम सूर्य और सितारों को देखोगी तो तुम कविताएं लिखोगी और गाते हुए पंछियों और बहती धाराओं के साथ सुर में सुर मिलाओगी। पूरे सम्मान के साथ हम स्वागत करते हैं समझ और ज्ञान की परी माँ का। तुम बहुत समझदार बनोगी। तुम बदला लेने की बजाय माफ करने को अहमियत दोगी। कामयाबी की जगह ज्ञान और घमंड की जगह खुशी चुनोगी। और आखिर में स्वागत करते हैं अनमोल खजानों की महान परी का। तुम्हारी आंखों से गिरता हुआ हर आंसू मोती बन जाएगा। खजानों की परी की बात सुनकर राजा को बहुत अजीब लगा। ये किस तरह की दुआ है परी रानी? ये दुआ है महाराज, इसे आप बस सम्मान के साथ स्वीकार करें। मेरी बेटी ने पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां भर दी हैं, तो इसे कभी रोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ भी तो इसके पास सोना और हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, इसे मोतियों की क्या जरूरत। ओ महाराज, आप जैसा राजा अपने घमंड की वजह से इस राज्य में सिर्फ बर्बादी ही ला सकता है। घमंड अच्छाई और ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप एक अच्छे मन से दिए हुए तोहफे की बेइज्जती कर रहे हैं। तो तोहफा भी ऐसा होना चाहिए ना जो स्वीकार करने लायक हो। अरे सब क्या? आपको सबूत चाहिए कि ये तोहफा स्वीकार करने लायक है या नहीं? अच्छा तो ठीक है, जब आपकी बेटी 16 साल की होगी तो वो घने जंगल में खो जाएगी और तब उसकी आंख से बहने वाले आंसू जो मोती बन जाएंगे आपको इस तक पहुंचाएंगे। परियां राज दरबार से चली गईं और पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, पर घमंडी राजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मेरी इतनी विशाल सेना होते हुए राजकुमारी तो क्या, पूरे राज्य का कोई भी बच्चा कभी जंगल में नहीं खो सकता। किसी को जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब जाकर जश्न की तैयारी करो। राजकुमारी बड़ी हो गई और परियों की दी हुई दुआओं से वो रहम दिल और नेक दिल बनी। उसे प्रकृति से प्यार था। सूरज तारों से प्रेरित होकर वो कविताएं लिखती थी। बहती नदियों और चहकते पंछियों के साथ वो सुर से सुर मिलाती थी। वो कमाल की घुड़सवार थी और उसे पहाड़ चढ़ने और जंगलों की सैर का बहुत शौक था। खुश मिजाज और अच्छे दिल की बच्ची, उसे देखकर सबका मन खुश हो जाता था। और देखते ही देखते बच्ची कब 16 साल की हो गई किसी को पता नहीं चला। उसके 16वें जन्मदिन पर मेरी बच्ची, बताओ तुम्हें अपने जन्मदिन पर क्या तोहफा चाहिए? पिताजी बस एक चीज चाहिए, आज मुझे जंगल में जाने दीजिए। मैंने कहा था ना, नहीं। आज मेरा जन्मदिन है माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। वो पेड़, मधुमक्खियाँ, वो नदियाँ, वो झरने सब है वहाँ। मैं दोपहर तक आ जाऊँगी पक्का। कह दिया ना, तुम नहीं जाओगी। जाने दो इसे, मैं अपने सबसे बेहतरीन सिपाही इसके साथ भेजूंगा, बल्कि आज मैं खुद इसके साथ जाऊँगा। तब तो ठीक है ना? आप भूल गए हैं क्या, आज ये 16 साल की हो गई है महाराज। क्या तुम ये बात भूल गई हो कि हमारी सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है? चलो मेरी राजकुमारी, आज मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा।
हम राजा और उनकी बेटी को जंगल में किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं और देखते हैं भविष्य में क्या हुआ। एक दिन एक युवक जंगल से गुजर रहा था। वो काफी वक्त से वहां भटक रहा था, पर परेशान नहीं था। पंछी और नदियां उसका साथ दे रही थीं। अचानक उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो अपनी पीठ पर बहुत भारी टोकरी बांधे हुए जा रही थी। वो मदद करने जाने ही वाला था कि तभी उसे एक किसान ने रोका। अरे उसके पास मत जाओ। पर क्यों? वो बहुत बूढ़ी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तुम ही बताओ, ये अजीब नहीं है कि उनकी उम्र की कोई भी औरत भला यहाँ जंगल में क्यों भटकेगी? ये कोई आम औरत नहीं है, ये कोई चुड़ैल है। तो आपको ये पक्का नहीं पता कि वो औरत चुड़ैल है या नहीं है? तो फिर मुझे उनकी मदद करने से मत रोकिए। दादी माँ लाइए, मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। पर बेटा ये बहुत भारी है। हाँ शायद आपके लिए होगा, पर मेरे लिए नहीं। अच्छे से सोच लो बेटा, और याद रहे अगर तुमने ये मुझसे ले लिया तो फिर तुम इसे नीचे नहीं रख सकते जब तक मेरे घर नहीं पहुँच जाते जो पहाड़ के उस पार है। ओह कोई बात नहीं, अगर आप इतनी बूढ़ी होकर वो पहाड़ चढ़ सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं चढ़ पाऊंगा। दादी माँ लाइए ये मुझे दीजिए, घर पहुँचने तक इसे मैं नीचे नहीं रखूंगा, वादा करता हूँ। याद रखना, अच्छे इंसान अपना वादा कभी नहीं तोड़ते, इसलिए एक बार फिर सोचो। मैंने सोच कर ही वादा किया है, लाइए टोकरी मुझे दीजिए। बूढ़ी औरत ने वो टोकरी अपने कंधों से बड़ी आसानी से उतारी और उस युवक के कंधे पर टांग दी, पर वो इतनी भारी थी कि उसके बोझ से वो गिरने ही वाला था। ये तो वाकई बहुत भारी है, आप इसे उठाकर कैसे ले जाती हैं? जवानी का जोश, अब तो एहसास हो गया ना कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। किसने कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है? अच्छा तो ठीक है, चलो अब तुम वादा कर चुके हो, पीछे नहीं हट सकते। युवक को कुछ समझ नहीं आया कि उस बूढ़ी औरत ने इतनी आसानी से इतनी भारी टोकरी कैसे उठाई हुई थी जो उससे उठाई नहीं जा रही थी, पर वो चलता रहा। पहाड़ चढ़ते हुए रास्ते में उसे लगा कि वो उसे उठाकर और नहीं चल सकता। मैं इसे नीचे रख दूं, बस थोड़ी देर के लिए, मैं बिना आराम किए आगे नहीं चल पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए। नहीं नहीं ऐसे कैसे, तुमने वादा किया था तो तुम इसे नीचे नहीं उतार सकते, पर जब हम मेरे घर पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी, समझे? इसलिए वो बेचारा युवक मुश्किल से ही सही पर पूरी दृढ़ता से टोकरी उठाकर बढ़ता रहा। आखिरकार वो बूढ़ी औरत के घर पहुंच गए। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर गए, हंसों का एक झुंड उस औरत से मिलने के लिए बाहर आया, जैसे बच्चे माँ को देखकर दौड़े चले आते हैं। मेरे बच्चे, ये टोकरी उधर पेड़ के नीचे रख दो, मैं तुम्हारे लिए पीने के लिए कुछ भेजती हूँ। युवक तो बस टोकरी को नीचे रखने वाली बात सुनकर ही खुश था। पेड़ के नीचे बैठते ही वो सो गया क्योंकि वो बहुत थक गया था। एक हंस उसके पास आया, उसके हाथ में जग और गिलास था। हंस ने शरबत गिलास में डाली और युवक को पीने के लिए दी। शरबत बहुत ठंडी और मजेदार थी कि उसे पीते ही युवक की सारी थकावट दूर हो गई। तभी वो बूढ़ी औरत वहां आई। इस युवक ने मेरी बहुत मदद की है, ये बहुत अच्छा, ये मेरी टोकरी यहाँ तक उठा कर लाया। टोकरी भारी होने के बावजूद इसने वादा नहीं तोड़ा और पूरा पहाड़ चढ़कर यहाँ तक पहुँचा। बेटा मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें इनाम दूंगी। दादी माँ सच कहूँ तो मुझे अपनी हिम्मत पर बहुत ज्यादा घमंड था, पर आपने मुझे विनम्र रहने का अच्छा सबक सिखाया है, ये मेरे लिए इनाम से कहीं बढ़कर है। देखो मैंने तुमसे वादा किया था और तुम्हारी तरह मुझे भी अपना वादा निभाना होगा। हाँ तो ये लो, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगी। युवक ने एमरल्ड की किताब ली, बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। कई दिन जंगल में भटकने के बाद आखिरकार वो एक शहर में पहुंचा। उसने राजमहल देखा और अंदर गया। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे वहां कुछ काम मिल जाए। महाराज मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मुझे काम की जरूरत है, अगर आप चाहें तो मेरी काबिलियत परखने के लिए परीक्षा ले लीजिए और मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए,
मेरा सबसे अनमोल खजाना। अरे राजा में हूँ क्या? राजा को क्या हो गया? नहीं यार, रानी राजकुमारी की घबरा क्यों है? पिताजी, ये मेरी पसंदीदा जगह है। पता है, यहाँ से पूरा जंगल दिखता है। आइए ना, आप भी देखिए। ये बहुत सुंदर है। अचानक पूरा जंगल धुंध से ढक गया और चारों तरफ इतनी धुंध थी कि राजा अपने हाथ तक नहीं देख पा रहा था। जब कुछ देर बाद धुंध का पर्दा हटा तो राजकुमारी वहां नहीं थी। मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? ये उस परी की दुआ है। मोती जो मेरी बेटी की आंखों से गिरे आंसू से बने हैं, तुम्हें ये मिले कहाँ से? ये किताब किसने दी तुम्हें? बताओ, क्या तुम उससे मिले थे? कहाँ है वो? हम अपनी बेटी को 3 साल से ढूंढ रहे हैं, पर मुझे उसका नामो निशान तक नहीं मिला। महाराज, मुझे नहीं पता कि राजकुमारी कहाँ है, पर आपको ये किताब देने वाली उस बूढ़ी औरत के पास ले जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप बुरा न माने तो सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा, ताकि मैं पहाड़ को पार कर उसके घर तक जाने का सही रास्ता बना सकूं। तब तक आप आने की तैयारी कर लीजिएगा। मेरा सबसे तेज घोड़ा ले जाओ और अभी चले जाओ। मैं 1 मिनट की भी देरी नहीं चाहता। युवक घोड़ा लेकर निकल गया। उसे जंगल तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और दूसरी तरफ बूढ़ी औरत के घर पर। मेरी बच्ची, चांद निकल आया है, नदी पर जाओ। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई। मुझे पता है नदी पर क्या हुआ था। कोई बात नहीं बेटा, अंदर जाकर अपने पंख उतार लो, वक्त आ गया है। जाओ जाओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है बच्चे। जैसे ही राजकुमारी हंस बनकर घर के अंदर गई, वो युवक वहां पहुंच गया और उसके पीछे राजा और रानी भी। मैंने राजकुमारी को इधर आते हुए देखा था। वो अब हंसनी बन चुकी है, पर वो अब असली रूप में आ गई है। ये आपकी बेटी महाराज। आपको आपकी बेटी तक किस चीज ने पहुंचाया? इसके आंसू जो मोती बन चुके थे, जैसा कि आपने कहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने घमंड में आकर आपका अपमान किया। आपकी बेटी के अंदर आपकी तरह जरा सा भी घमंड नहीं है। मैंने इसकी परीक्षा अच्छे से ले ली है। नहीं परी माँ, आपने अपनी बेटी की तरह मेरा ख्याल रखा और मेरी देखभाल की। आपने जो कहा था, मैं समझ चुकी हूँ कि एक राजा जिसमें घमंड हो, वो अपने राज्य में सिर्फ बर्बादी ही ला सकता है। घमंड सिर्फ ज्ञान और अच्छाई का दुश्मन है। ये सबक हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी था। तुम्हारा दिल सच में बहुत ही अच्छा है राजकुमारी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज कि आपको सबक सिखाने के लिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। पर हाँ, एक घमंडी राजा अपने राज्य में सिर्फ बर्बादी ही ला सकता है। घमंड अच्छाई और ज्ञान का दुश्मन है। मैं अब समझ गया। आपका अनमोल खजाना आंसुओं के मोती नहीं थे, बल्कि वो सबक है जो आपने हमें अभी सिखाया है। शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। मेरी दुआ है कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हारा दिल उसमें भी खुशियाँ ढूंढ ही लेगा। इस तरह राजा और रानी अपनी बेटी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए। उस युवक को महल का राज दरबारी बना दिया गया और राजकुमारी और उसके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। वो साथ में वक्त बिताते, राज्य के लोगों का भला करते, जिसे देख राजा और रानी बहुत खुश थे। फेनेंड्रा राज्य में अब हर तरफ शांति, समृद्धि और खुशहाली थी।
पर राजा ने घमंड को खुद से बहुत दूर भगा दिया था।